आज मैं आप लोगों को मेरी हॉस्टेल जो कि है डॉक्टर जीवराज मेहता हॉल वो दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, कि शुरुआत में ही यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और गार्डन जैसा कुछ यहाँ पे आगे दिखता है आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से एंट्री लेते हैं और दिखाता हूँ अपना हॉस्टल। तो ये है नोटिस बोर्ड जहाँ पे छोटी मोटी नोटिस आती रहती है, कुछ जाहिरात होती है तो वो भी लगाई रहती है। ये जो डॉक्टर जीवराज मेहता हॉल है वो अभी अभी न्यूली पेंट हुआ है। तो यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि आमने सामने दो लॉबी है और उसके एंड में टॉयलेट का कंपार्टमेंट है, पूरा एक कंपार्टमेंट है, दिखाऊँगा अभी। और ये पीछे जो है वो मैस है जो अभी बंद है, स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पे है। तो हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, चलिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और जाते हैं अपने रूम में। वार्डन के ऑफिस सीधी आती है, वहीं से यहाँ पे जो है पूरा ऊपर की तरफ टेरेस का रास्ता है, बहुत बड़ा टेरेस है, हम कई बार जाते भी है, मज़े करते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी हवा आती है वहाँ पे। फिर से दो लॉबी है जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई, वैसे ही एंड में टॉयलेट का पूरा कंपार्टमेंट है। तो चलिए कुछ रैंडम रूम की मुलाकात लेते हैं। तो ये हमारे एक फ्रेंड का रूम है, तो ये है हमारे फ्रेंड, बहुत जुगाड़ इसने किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉस्टल का देसी जुगाड़, यहाँ पे देखो ये चार्जिंग के लिए ऐसे भी जुगाड़ करते हैं हॉस्टल के लोग। अब हमारे रूम की ओर चलते हैं। यहाँ पे दो रूम है, तो देखो यहाँ पे दो रूम है, ये है हमारा रूम कमरा नंबर 57, ये है हमारा रूम, ये है सामने कॉमन रूम, ये जो आप देख रहे हैं ये है सामने कॉमन रूम जहाँ पे लोग नाश्ता खाना या सब खेलना वो सब करते हैं। यहाँ पे ये कॉमन रूम है, कॉमन एक्टिविटी जो भी होती है वो यहाँ पे होती है। चलिए हमारे रूम में चलते हैं, कैमरा मैन आओ मेरे साथ में। एक रूम में तीन लोग रहते हैं तो तीनों लोगों के लिए तीन बेड की सुविधा, तीन टेबल और यहाँ पे हर एक के लिए ड्रॉब है, ये देख। एक रूम में गैलरी भी है, तो हमारी गैलरी में कुछ सामान था तो इसलिए मैं अपनी फ्रेंड की गैलरी आपको दिखाता हूँ, वैसी गैलरी है हर एक रूम में। तो चलो ये है गैलरी, देखिए साइज देख लो आप लोग, कितनी गैलरी मिलती है। कपड़े सुखाने के लिए आप डोरी बांध सकते हो, वैसी तो सुविधा है यहाँ पे, अगर नहीं है किसी रूम में तो जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। देखो कितना अच्छा लुक है। चलिए वॉशरूम दिखाता हूँ आप लोगों को, आओ यहाँ पे एक पूरा कंपार्टमेंट है जहाँ पे तीन वॉश बेसिन यहाँ पे और कितने हैं 5 बाथरूम है नहाने के लिए। तो यह बाथरूम है तो आसानी से सभी लोगों का टाइम मैनेज हो जाता है। तो वॉशरूम के सामने टॉयलेट का भी कंपार्टमेंट है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर जाके। यहाँ पे फिर से दो और वॉश बेसिन है और हॉट वाटर लिखा है यहाँ पे, और सामने ये जो है टॉयलेट पूरा का कंपार्टमेंट है यहाँ पे पूरा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हॉस्टल की सबसे खूबसूरत जगह जहाँ सब लोग आना पसंद करते हैं, वो है पूरा टेरेस। देखो यहाँ पे कितनी हवा जो है ताज़ी मिल रही है, पंछियों की आवाज़ भी आती है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे अगर आपका मन फ्रेश करना हो ना तो यहीं पे चेयर लेके बैठ जाओ, आराम से घंटा दो घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम भी कई बार आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। तो ये है कुछ टेरेस जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ऐसा है हमारा डॉक्टर जीवराज मेहता हॉल, ये पूरा आपका मैंने आपको टूर दिखाया मेरे हॉस्टल का। वो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए। और आज के कैमरामैन जो है ओम पटेल और मोहित शाह, उनका बहुत बड़ा आभार हमारी वीडियो शूट करने के लिए, और जिन्होंने भी अपना रूम दिखाया उनका भी आभार।